हाय गाइस मेरा नाम आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैड गए आरिफ गाइस चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केवझर का पूरा डिटेल्स मतलब टॉप टू बॉटम हर चीज के बारे में आपको बता दूंगा ताकि आप यहाँ अगर पढ़ोगे तो कोई भी आपको दिक्कत ना हो स्टार्टिंग से ही आपको सब चीज़ें पता रहे हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हॉस्टल से लेकर फीस से लेकर फैसिलिटीज से लेकर टोटल हर चीज़ के ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं तो गाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो चीज़ों को पूरा अच्छे से समझना और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना ठीक है तो अगर इस तरह की वीडियोस आपको और भी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैं और भी कॉलेजेस के लिए बना दूंगा तो गाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ देखो गाई जी सी ई केवझर जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केवझर है ये आता है बीपीटी के अंडर में ठीक है ये ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है ये बीपीओटी के अंडर में आता है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजीज के अंडर में कॉलेज आता है देखो गाइज इस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस दो है एक प्रोसेस है जेई मेंस के थ्रू जो रेगुलर बच्चे हैं जो ट्वेल्थ का एग्जाम देने के बाद जो हम जेई मेंस का एग्जाम देते हैं उसके थ्रू से आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं डिप्लोमा का एडमिशन का प्रोसेस है ओ का एग्जाम आपको देना पड़ेगा लेटरल एंट्री जो बोलते हैं ना हम लोग सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री होती है तो उसके लिए आपको ओ का एग्जाम देना पड़ेगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस टोटल सीट्स के बारे में देखो गाइस यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच है मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ देखो ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल माइनिंग मेटलर्जी मिनरल सी एस सी एंड सिविल ठीक है और हर ब्रांच में सिक्सटी सीट्स है टोटल देखा जाए तो टोटल फोर ट्वेंटी सीट अवेलेबल है इस कॉलेज में अब मैं गाइस आपसे बात कर लेता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखो फर्स्ट ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है वह फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर है वह थर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्ड ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर वो भी है थर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्थ ईयर का जो फीस है वो भी है थर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड लेटरल एंट्री में जो बच्चे आते हैं सेकेंड ईयर में उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो है सेकंड ईयर के लिए फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड और थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए थर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ गाइज़ यहाँ पर ही कौन कौन से क्लब्स आपको मिले हैं क्लब्स क्या होता है गाइज़ जैसे कि सिर्फ पढ़ाई तो नहीं होती ना कॉलेज में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट फन के लिए हम लोग कोई साक्टो तो क्लब ज्वाइन कर लेते हैं तो इस कॉलेज में आपको कौन कौन सा क्लब मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो इस क्लब कॉलेज कौ, में आपको क्लब मिल जाएगा डांस एंड म्यूजिक क्लब एक है एक है रोबोटिक्स क्लब एक है फोटोग्राफी क्लब तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो क्लब ज्वाइन करना आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो अब गाइज हम डिस्कस करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में कि कॉलेज में कौन कौन सी एक्सटर्नल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है देखो गाइज़ फैसिलिटीज़ यहाँ पर ही दिया गया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है क्रिकेट बैट वॉट फुटबॉल उटबॉल सारी फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स रिलेटेड अवेलेबल है कंप्यूटर फैसिलिटी बहुत बढ़िया है ऐसा उनका मानना है आप वहाँ पर ही पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कहा जाता है कि कंप्यूटर लैब जो है 85 फाइव करोर्स की वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स पूरा इंस्टॉल किया गया उसके है उसके बाद एटीएम फैसिलिटी है एटीएम कॉलेज कैंपस के अंदर है कैंटीन फैसिलिटी है उसके बाद लाइब्रेरी फैसिलिटी है लाइब्रेरी वैसे उतना कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ टेबल चेयर आप बैठ के वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है मतलब वहाँ पर जो हॉस्टल है अगर आप हॉस्टलर नहीं हो अगर बाहर में रहते हो तो आपको बस फैसिलिटीज़ दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन में वो भी इंक्लूडेड रहता है आपका फीस में वाईफाई कैंपस है पूरे कैंपस में वाईफाई अवेलेबल है और ओपन जिम है ओपन जिम एयर जिम जिसको बोलते हैं ना ओपनली जो जिम होता है छोटा मोटा आप इक्विपमेंट्स रख के जो जिम करते हो वो अवेलेबल है अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इस हॉस्टल के बारे में देखो बॉयज़ के लिए टोटल तीन हॉस्टल है गर्ल्स के लिए दो हॉस्टल है अब बॉयज़ का जो तीन हॉस्टल है उनमें से सीट कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ एक हॉस्टल है जिसमें फोर्टी सीट्स अवेलेबल है एक हॉस्टल है जिसमें फाइव हंड्रेड सीट अवेलेबल है और एक हॉस्टल है जिसमें थ्री हंड्रेड सीट अवेलेबल है ये जो थ्री हंड्रेड सीट अवेलेबल वाला हॉस्टल है गाइस ये हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है थुर। थुर। तो आप मान के चलो फाइव फोर्टी सीट्स है टोटल अब गर्ल्स हॉस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो गर्ल्स का दो हॉस्टल है एक में सिक्सटी एट सीट अवेलेबल है और एक में थ्री हंड्रेड सीट अवेलेबल है तो यही कुछ थे इस हॉस्टल के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल्स दे दिया फीस के बारे में डिटेल्स दे दिया फैसिलिटीज़ के बारे में डिटेल्स दे दिया जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज को रिलेटेड मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिए उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी अगर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इस तरह के और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम में जुड़े नहीं हो तो मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है वहाँ पर जाके मुझसे टेलीग्राम में जुड़ जाओ और भी कुछ डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो तो कैसे इस वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक शेयर करें तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए असलामकम नमस्कार जय हिंद एंड वंदे मातरम